क्या आप भी दुबई की ACC कंपनी में जा रहे हो या जाने के बारे में सोच रहे हो? तो आपके मन में ये सब सवाल आते होंगे कि कंपनी कैसी होगी, इस कंपनी में टाइम पर सैलरी मिलता है या नहीं मिलता है, इस कंपनी में ओवर टाइम मिलता है या नहीं मिलता है, इस कंपनी में खाना कैसा मिलता है, इस कंपनी में रूम कैसा मिलता है, इस कंपनी में काम कैसा रहता है। आपके मन में ये सब सवाल आते होंगे। आपके इन्हीं सब सवालों का जवाब देते हैं आज के स्टूडियो में, आपको बताऊँगा दुबई की ACC कंपनी कैसी है। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो और आपको मैं बताता हूँ दुबई की ACC कंपनी के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर आपको ऐसी वीडियो और देखने को मिलती रहेगी। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो और आपको मैं बताता हूँ दुबई की ACC कंपनी के बारे में। दोस्तों आज की स्टूडियो में बात करने वाले हैं दुबई की ACC कंपनी के बारे में। दुबई की ACC कंपनी का पूरा नाम है अरबियन कंस्ट्रक्शन कंपनी। और दोस्तों आपको बताना चाहूँगा ACC कंपनी लेबनान की कंपनी है और इसकी स्थापना हुई थी 1967 में। और दोस्तों दुबई की ACC कंपनी एक इंटरनेशनल कंपनी है, इसका सऊदी में काम चलता है, दुबई में काम चलता है, कतर में काम चलता है और भी बहुत सारी कंट्री में काम चलता है और एक कंस्ट्रक्शन लाइन का काम करती है। बहुत ही बड़ी कंपनी है, बहुत ही पुरानी कंपनी है। दोस्तों दुबई की ACC कंपनी में अगर कोई नया बंदा आता है, जैसे मेसन है, स्टील फिक्सर है, कारपेंटर है, सेटरिंग कारपेंटर है, इलेक्ट्रिशियन है, प्लम्बर है, इनकी 8 घंटे की सैलरी लगती है 700 से लेके 1000 दरम तक, और हेल्पर की सैलरी लगती है 500 से लेके 700 दरम तक, और इसमें आपको 3-4 घंटे कंपलसरी ओवर टाइम मिल जाता है, और कंपनी आपको खाने के लिए 300 दरम देती है। कंपनी आपको किचन और सिलेंडर की सुविधा देती है, खाना आपको खुद बनाना पड़ता है। और दोस्तों दुबई की ACC कंपनी में आपको सैलरी 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक मिल जाती है। और दोस्तों दुबई की ACC कंपनी में आपको मेडिकल इंश्योरेंस, रहने के लिए रूम, साइड पर आने जाने के लिए बस, कंपनी की तरफ से बिल्कुल फ्री रहता है। और दोस्तों दुबई की ACC कंपनी में अगर कोई नया बंदा आता है तो उसका 2 साल का एग्रीमेंट होता है, 2 साल बाद में आपको 2-3 महीने की छुट्टी मिल जाती है, साथ में आपको आने जाने का टिकट मिलता है, साथ में आपको लिव इन सैलरी मिलता है। और दोस्तों दुबई की ACC कंपनी में आपको कभी इमरजेंसी काम होता है तो आपको छुट्टी मिल जाती है, लेकिन आपको टिकट अपना लेना पड़ता है। दोस्तों दुबई की ACC कंपनी की जितनी जानकारी मेरे को मिली थी मैंने आपके साथ शेयर की, किसी भाई के पास इस कंपनी की कोई और भी जानकारी है तो कमेंट करके दोस्तों के साथ शेयर कर सकता है। और दोस्तों जो भी भाई इस वीडियो को दुबई से देख रहा है उनसे हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप किस कंपनी में काम कर रहे हो, आपकी कंपनी कैसी है, आप इसके बारे में हमें जानकारी दीजिए, ताकि आपकी कंपनी में हमारे जो भी भाई इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल से आपकी कंपनी में आ रहे हैं उनको हम आपकी कंपनी के बारे में जानकारी दे सकें, उनको आपकी कंपनी के बारे में बता सकें, उनको गलत कंपनियों में फंसने से रोक सकें। अगर आप अपनी कंपनी के बारे में हमें जानकारी देना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पर दे सकते हैं, इंस्टाग्राम ID का लिंक आपको चैनल के अबाउट में मिल जाएगा। और दोस्तों आप दुबई की किसी भी कंपनी के बारे में जानकारी चाहते हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो, अगर हमारे पास जानकारी होगी तो हम आपको ज़रूर देंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको दुबई की ACC कंपनी के बारे में बताया, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।